सोशल मीडिया पर हम जैसे ही किसी के देहांत की खबर देखते हैं, कमेंट सेक्शन में फौरन लिख देते हैं RIP, यानी रेस्ट इन पीस। ये हमारा तरीका है अपनी संवेदनाएं प्रकट करने का। वी फील सॉरी फॉर द डिपार्टेड सोल। हम अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं, और प्रेयर क्या है? आपकी आत्मा शांति से विश्राम करे, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। ये इंटेंशन सही है, लेकिन एक्शन गलत है। किसी हिंदू की मृत्यु पर RIP लिखना उतना ही गलत है जितना कि उसे मुखाग्नि न देकर दफना देना। मैं एक हिंदू हूं, मेरा अधिकार है कि पंच तत्व से बने मेरे शरीर को मृत्यु के बाद चिता की अग्नि में स्वाहा कर दिया जाए। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मुझे कॉफिन में रखकर जमीन में गाड़ा जाए। जितनी बार हम किसी हिंदू या सनातनी की तस्वीर के नीचे RIP लिखते हैं, जाने अनजाने हम उसके उचित अंतिम संस्कार का तिरस्कार करते हैं, उसे अपमानजनक विदाई देते हैं। किसी दिवंगत हिंदू के लिए RIP लिखना क्यों गलत है? और यह गलत है तो फिर सही क्या है? सिर्फ एक मिनट मुझे ध्यान से सुनिए, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। RIP लिखने की परंपरा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से आती है। वो कयामत के दिन में विश्वास करते हैं, जिसे रोजे महशर या जजमेंट डे भी कहा जाता है। क्या होगा उस दिन? सारे मुर्दे जाग उठेंगे और खुदा उनका इंसाफ करेगा। इसी जजमेंट डे के लिए मुर्दों को कब्र में इंतजार करना पड़ता है और उनके लिए रेस्ट इन पीस की दुआएं की जाती हैं। लेकिन सनातन की परंपराएं 100% साइंटिफिक हैं, इसीलिए हमारे यहां RIP जैसी कोई थ्योरी है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 22 और 23 में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यानि संयति नवानि देही नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आसान शब्दों में समझाता हूं, जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा यानी हमारी कोर एनर्जी वो पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर पहन लेती है। आत्मा अजर अमर है, इसे ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना जल भिगो सकता है, और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। और इसीलिए जीवन मरण का ये चक्र, ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है जब तक कि हमें मोक्ष नहीं मिल जाता। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आत्मा को एनर्जी कहा। क्यों कहा? समझाता हूं। आत्मा पर एग्जैक्टली वही साइंटिफिक लॉज अप्लाई होते हैं जो एनर्जी पर। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली चेंज फॉर्म। यानी ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले यही बात कही थी, लेकिन हम अपनी आदत से मजबूर हैं। हम तब तक नहीं मानते जब तक कोई विदेशी ना बोल दे। 19वीं सदी में जर्मन और ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एनर्जी के बारे में वही थ्योरी दी जो 5000 वर्ष और एक युग पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में दे चुके थे। ना कोई भाई, ना बेटा, ना भतीजा, ना गुरु, एक ही शक्ल उभरती है हर आईने में। आत्मा मरती नहीं, जिस्म बदल लेती है। धड़कन इस सीने की जा छुपती है उस सीने में। जिस्म लेते हैं जन्म, जिस्म फना होते हैं, और जो एक रोज फना होगा वो पैदा होगा। एक कड़ी टूटती है, दूसरी बन जाती है। खत्म ये सिलसिला जिंदगी, फिर क्या होगा? कैफी साहब ने लिखा था। हमारे यहां आत्मा मरती ही नहीं तो कब्रों में आराम क्या करेगी? यह रेस्ट इन पीस की थ्योरी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए सही होगी, हमारे लिए नहीं है। हम किसी जजमेंट डे, किसी रोजे कयामत का इंतजार नहीं करते। एक शरीर छोड़ते ही हम दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं और चरैवेति चरैवेति के सिद्धांत पर चलते रहते हैं। रेस्ट इन पीस डज नॉट डू जस्टिस टू अ हिंदू सोल। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं, RIP लिखने से पहले ये जरूर देख लें कि कहीं आप ये प्रार्थना किसी हिंदू के लिए तो नहीं कर रहे, क्योंकि इससे उसकी आत्मा को शांति तो नहीं मिलेगी, हां कष्ट जरूर होगा। तो फिर क्या लिखना चाहिए? विनम्र श्रद्धांजलि या ओम शांति, जो भी आपको ठीक लगे।